हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाला ड्रेस आपने पहले भी देख रखा है। थोड़ा सा घर जो है मेसी है क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं कपड़े वपड़े चेंज करके, मूवी के लिए जा रहे हैं अलॉन्ग विथ इन लॉस। वो वहाँ पे तो कभी मूवी जाते नहीं हैं लेकिन जब यहाँ पे आते हैं हम पक्का उनको मूवी लेके चल जाते हैं। तो ये वाली ड्रेस पहनी है मैंने, और 10:15 की मूवी है तो अभी 10:15 हो रहे हैं तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि मूवी थिएटर नज़दीक ही है, इसलिए मतलब टाइम से थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही निकलते हैं। तो चलिए, वैसे भी हमेशा हम ही फर्स्ट होते हैं मूवी हॉल में, तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं। सब लोग रेडी है, वी आर द ओनली वन। बत्ती बुझाओ। हम सब लोग खाना वाना सब कुछ खा चुके हैं। गुड मॉर्निंग। तो कल जब हम मूवी के लिए गए थे तब लास्ट मुलाकात हुई थी और अब हो रही है। इसकी मूवी का रिव्यू इतना अच्छा था लेकिन इतनी घटिया मूवी है। आज तक मैं कभी भी मूवी हॉल में सोई नहीं हूँ, और मतलब चाहे कितनी भी गंदी मूवी हो उसमें थोड़ा तो ऐसा होता है ना, थोड़ी तो पसंद आती है, लेकिन क्या चल रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब क्यों बनाई है मूवी ऐसा लग रहा था। और इंटरमिशन के बाद तो मैंने ढंग से कुछ मूवी देखी नहीं, मेरी आँख ऐसी लग रही थी फिर भी मैं फोर्सफुली आँखें खोल खोल के देख रही थी। लेकिन बहुत ही बोरिंग, बहुत ही वेस्ट मूवी है, लेकिन इसकी रिव्यू फिर भी अच्छा आ रहा है। पता नहीं किसको क्यों पसंद आ रही है। आई तो डिड नॉट लाइक, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद आई, मेरे इन लॉज को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं और मेरी सासू माँ तो सो ही रहे थे। पहले स्टार्टिंग में जब सासू माँ सो रही थी मैं उनको जगा रही थी, देखो कि अब तो कुछ मतलब इंटरमिशन के बाद तो कुछ अच्छा होगा शायद मूवी में करके, लेकिन सॉरी टू से दैट कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं उनको जगा रही थी, बाद में इंटरमिशन के बाद में मैं भी सोने लग गई। और लास्ट में जो है क्लाइमैक्स में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मतलब बीच बीच में आँख खोल के देख रही थी, तब भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। मैं चलो जान दो, तो मैंने अच्छी खासी नींद ही ले ली हॉल में। और अभी जो है खाना बनाना है, आज पहले ही मैंने नहा लिया है खाना बनाने से पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता यार। किचन में जाने से पहले नहाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर पूरा जो है पसीने की वजह से भीग जाते हैं। तो जब पहले मैंने नहा लिया है इसका मतलब ये है कि मेरे को खाना बनाना है अभी, तो लेट हो जाएगा अगर मैं सब कुछ डिटेल में करूँगी। तो 2-3 सब्जियाँ बनाऊँगी। आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन जो है मेरे फादर इन लॉ नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाकी सब तो खाते हैं। तो मतलब हम वैसे भी हर रोज़ नॉनवेज नहीं खाते, मतलब अंडा भी नहीं खाते हैं। एवरीडे आई बॉयल एग। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो टूट गए थे अंडे उसका आपने क्या किया। जो टूटे हुए अंडे थे उसको मैंने एक बाउल में डाल के फ्रिज में रखा हुआ है, और बीच बीच में जो है मैं कल ऑमलेट्स बनाए थे मैंने, जिसको चाहिए उसके लिए ऑमलेट्स बना रही हूँ। और अगर जो भी अंडे से रिलेटेड कोई रेसिपी या करी होती है उसमें ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, फेंक नहीं सकते इतने सारे अंडे हैं। और बाकी अंडे जो ठीक है वो तो रोज़ बॉयल करती हूँ मैं, तो वो जा रही है। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ करेला फ्राई, एक तो बनाऊँगी और क्या बनाऊँ, दाल डिफॉल्ट एंड दाल करेला फ्राई, और शाम के लिए एक और करी बनानी है, बैंगन बना लेंगे तो वही बनानी है। और उसके बाद मैंने कल जैसे बताया था कि मैंने इडली के लिए भिगो के रखा था, तो ब्रेकफास्ट में इडली, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस नहा धो के निकली हूँ खाली। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं।
यहाँ पे पूरे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और ये जो आपको पोटली दिख रही है जो मैंने बांधी है, क्योंकि इन लोग के कपड़े जो आदित्य के थे जो उसको छोटे हो गए हैं, वो थोड़े बहुत जो इसको आ रहे हैं अभिषेक को, वो तो मैंने अरेंज कर दिए, लेकिन जो अभिषेक को छोटे हो गए हैं वो फालतू में रखे हुए थे, स्पेस ज़्यादा कवर कर रहे थे, जो भी वेस्ट कपड़े थे मैंने सॉर्ट आउट करके अलग निकाल दिया है। और इन जो वेस्ट कपड़ों का जो पुराने क्लोथ ओल्ड क्लोथ होते हैं उसका मैं कुछ DIY भी बनाने वाली हूँ जल्द। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, अभी तुरंत तो नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। तो वो भी आप देखना चाहते हैं तो आप भी, हर एक घर में पुराने कपड़े होते हैं तो आप भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको सॉर्ट करके रखती हूँ और बाकी सारे बास्केट्स भी अरेंज कर चुके हैं मैंने। चलिए अभी चाय पीने का टाइम भी हो चुका है, अब चाय भी पी लेते हैं। आपने देखा कि हम पेड़े बना रहे थे, ये रहे वो पेड़े, मतलब और भी हैं जो दूसरी जगह रखे, ये थोड़े से प्लेट में डाले हैं जो एक एक ऑलरेडी सबने ले लिए और इतने टेस्टी है कि उसके बाद भी खा रहे,
बहुत टेस्टी रहता है। ये रेसिपी भी इसकी बहुत सिंपल है, जो गोटा वाली दाल होती है ना, फुल उड़द दाल बोलते हैं, कंप्लीट होल गोल वाली उड़द दाल, उसको बस थोड़ा फ्राई करो और मिक्सी करो और उसमें चीनी का पाउडर मिलाओ, मतलब चीनी को मिक्सी करके वो पाउडर मिलाओ और घी से इसको कर दो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी अभी मिला है इसलिए मुँह में डालते एकदम ना पिघल रहा है, प्लस चिपक रहा है इधर उधर। जैसे बना के थोड़ी देर बाद रख देते हो, जो ये ऊपर थोड़ा बहुत घी दिख रहा है आपको, इसमें शाइन कर रहा है, वो पूरा सूख के एकदम ड्राई होके तब जब खाते हैं इसको, तो खसखस करके साउंड आती है, तब चिपकता नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। अभी भी अच्छा लग रहा है। और दूसरी एक बात, कुछ लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं कि आप तो हमारा डिवोर्स करवा दोगे, आप लोग एनिवर्सरी बनाते रहो, अपने वेडिंग एनिवर्सरी बनाओ या एंगेजमेंट वाली एनिवर्सरी बनाओ, बनाते रहो, मतलब और हमारी बीवियाँ आपकी वीडियोस देख देख के पागल हो जाएं। अगर कोई इंसान को नेगेटिविटी ढूंढनी है तो वो नॉट ओनली वीडियो कहीं से भी ले सकता है नेगेटिविटी। और दूसरी चीज़, जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं या जो भी है, उसमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा रहती है, आपके होम ऑर्गेनाइजेशन लाइफस्टाइल को आप बेटर कैसे बना सकते हो उसके बारे में सिखाती हूँ। ये जो वेडिंग वाले ब्लॉग्स होते हैं, ये रोज़ तो होते नहीं है, साल में कभी एक बार होते हैं, तो इतना ऑफेंसिव लेने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप इसको इतना नेगेटिवली ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे तब आप इस चीज़ की भी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो यार, वीडियोज़ से कोई डिवोर्स थोड़ी हो जाता है ऐसे, तो वीडियोज़ को छोड़ो। अगर किसी को देख के अगर कुछ उल्टा फुल्टा सीखना है तो नेबर्स काफ़ी होते हैं, किसी की पत्नी को कुछ सिखाना है तो। यहाँ पे तो मैं वो वाला काम नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ उससे बेटर ही काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली। और जो भी वीडियोस देखता है, मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ कि अपना काम सारा छोड़ के देखें। सबसे पहला अपना आप सारा काम ख़त्म कीजिए और उसके बाद इतना से जब आप फ्री हो तभी देखो, अगर आप फ्री नहीं हो तो उस दिन तो देखो भी मत, नो इश्यूज़। लेकिन अपने घर की जो, अपने घर में जो रिलेशनशिप्स है, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या जो भी आपके घर में रहते हैं, उन सब के साथ एक हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मैंने जब ये मैसेज पढ़ा तो मुझे काफ़ी हंसी आई कि कैसा कैसा लोग सोच लेते हैं करके, तो वही था। और आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं है, छोटा सा है। तो अभी शाम हो चुकी है, सुबह मेरी आपसे मुलाकात हुई थी खाना बनाने से पहले, उसके बाद जो है चाय बनी है, अभी चाय हमने पी ली है और उसके बाद ये जो पाउडर था इसके पेड़े बना लिए हैं, और अभी पेड़े का आनंद ले रहे हैं, सब लोग चाय पी चुके हैं और पेड़े भी खा रहे हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ हमने नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले क्या, दो तीन दिन से मैंने बोला नहीं है तो आप चिपका भी नहीं रहे हो, हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पेड़े अच्छे लगे हों तो ट्राई करना, और ट्राई करने से पहले, क्योंकि अच्छे ही बनेंगे फॉर श्योर, तो एक लाइक चिपका देना। तो जहाँ तक कि आप देख रहे हैं मेरा अंगूठा मैक्सिमम ठीक हो चुका है, थोड़ा सा जो है जॉइंट बाकी है, मतलब जो स्किन ऐसे फटी थी, चिपकना थोड़ा सा बाकी है, मैक्सिमम ठीक हो चुका है, ये देखिए। तो अभी मैं इजीली इससे काम कर पा रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर देना थोड़ा मुश्किल है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलिए, जाते जाते चिपकाते हुए जाइए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।